इंदौर में एक व्यक्ति राशन की दुकान से मिलने वाले अनाज पीसकर करोड़पति बन गया। जी हाँ, गरीबों को चूना लगाकर खुद का आटे का ब्रांड बना लिया। लॉकडाउन के बाद इंदौर में ही उसने 7 मकान बना लिए। आरोपी मोहम्मद इमरान पिता बाबू खान अब पुलिस की गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि आरोपी कांग्रेस के एक बड़े नेता का दामाद है, जिसे बचाने के लिए वकीलों की टीम भी थाने पहुंची थी। टीआई तहजीब काजी ने उषागंज इलाके से मोहम्मद इमरान को पकड़ा है। उसके पास से चावल के करीब 27 कट्टे जब्त किए गए, जो उसने अपने एजेंटों के माध्यम से गरीबों से खरीदे थे। यह अनाज राशन दुकान से पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को दिया जाता था। कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन हुआ तो सरकार ने गरीबों को फ्री अनाज देने का ऐलान कर दिया। यही इमरान का शातिर दिमाग चला और उसने लॉकडाउन में एक गैंग बनाई, जिसमें जो है महिलाएं भी शामिल है। फिर पीएम गरीब कल्याण योजना में फ्री मिलने वाले सरकारी अनाज को गरीबों से खरीदना शुरू किया। इमरान ने 20 ऑटो ले रखे थे, जो राशन दुकान के बाहर ही 15 से 16 रुपए में गरीबों से डायरेक्ट गेहूं चावल खरीद लेते थे। ऑटो से उन्हें ठिकाने लाते थे और इमरान अनाज पीस कर आटा बना देता था। इसके जो है बाद पीसा हुआ अनाज ब्रांड के नाम से आटा दुकानों पर बेच देते। 2.5 साल में इमरान ने कई टन माल की अफरा तफरी की और 3 थाना क्षेत्रों में करोड़ों की संपत्ति बना ली। पुलिस अब उसकी संपत्ति की जांच में जुटी है।